अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग सऊदीया में अमेज़न सऊदीया में लॉन्च करना चाहते हैं, तो अमेज़न सऊदीया के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वक्त नून और अमेज़न दो मेजर मार्केट प्लेसेस हैं सऊदीया के अंदर। नून जो है उसके ऊपर बगैर CR के कोई भी इस वक्त अमेज़न के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकता, नून के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकता। CR कहते हैं सऊदीया के अंदर, जिस तरह अमेरिका में LLC होती है, UK में लिमिटेड कंपनी होती है, पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड है, इसी तरीके से सऊदीया के अंदर CR कहलाती है। तो CR अगर आपको बनानी है तो उसकी कॉस्ट आती है 15,000 से 20,000 US डॉलर, प्लस लाइसेंसिंग अलग से कॉस्ट आएगी आपके से। तो अभी तो आप लोग सऊदीया अमेज़न के ऊपर कफील के अकाउंट पे अकाउंट बना सकते हैं, नाम पे अकाउंट बना सकते हैं, अपने अकामा के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन मेरी गट फीलिंग से कहती है कि 6 महीने साल से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने दिया हुआ डंडा, बहुत बड़ा डंडा दिया हुआ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे। तो मेरा ख्याल है 6 महीने साल लगेगा, अमेज़न भी CR डिमांड करना शुरू कर देगा। जिन लोगों के अकाउंट कफील के ऊपर बने होंगे, आपने इतना पैसा लगा दिया होगा, ब्रांड्स बना दिए होंगे, सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अमेज़न बोलेगा भाई CR लाओ अगर अकाउंट को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब यहां पर सऊदी, देखें अमेज़न US के ऊपर आप लोग पार्टनरशिप्स कर लेते हैं, सऊदीया के अंदर पार्टनरशिप करना, किसी के नाम के ऊपर CR खोलना, कोई आपको बोले जी मेरे नाम पे CR खोल लो, मेरे पास CR है, 5 लोग जमा हो जाए, पाकिस्तानी कौम 5 लोग जमा होके एक दूसरे को मार डालेंगे। इनके यहां फ्रिक्शंस और लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तानियों के डिस्प्यूट्स और लड़ाइयां ज्यादा इसलिए होती हैं कि एग्रीमेंट्स स्ट्रांग नहीं होते, SOPs स्ट्रांग नहीं होती, प्रोसेसेस होते नहीं है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में, इनकी पार्टनरशिप्स के अंदर। तो दिस इज इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता कि 5 लोग सुकून से बैठ के एक CR के अंदर काम कर रहे हैं या 10 लोग CR के अंदर काम कर रहे हैं। वो पार्टनरशिप देखें 2 या 3 लोगों से ज्यादा तभी नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप करनी है 2 लोगों की करें, 50-50, 15,000 से 20,000 डॉलर खर्च करें, आप लोग सऊदीया का CR लें और उस पर अपना अकाउंट खोल लें अमेज़न का। लेकिन 5 लोगों का जमा हो जाना, 10 लोगों का जमा हो जाना, मिल खोल लेना, ये नहीं होने वाला, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप लोगों की लड़ाइयां होंगी, डिस्प्यूट्स होंगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो अब आ जाइए एज अ मार्केट, क्या सऊदी अच्छी मार्केट है? जी सऊदी बहुत अच्छी मार्केट है, इसमें कुछ शक नहीं है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा इसको। सऊदी बहुत अच्छी मार्केट है, सऊदी में पोटेंशियल है, ब्रांड्स बनाए जा सकते हैं। मसला सिर्फ यही है CR की जो रेड टेप्स लगी हुई हैं, लीगल ओनरशिप आपकी हो नहीं सकती वहां पे, जिसकी वजह से सऊदी एक बहुत बड़ा बैरियर है उस मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए। तो मैं तो आप लोगों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगा किसी के नाम पे CR कर लें, किसी ने ऑफर की CR की उसके साथ मिल जाए, भाई इन चक्रों में ना पड़े तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब आ जाइए मैं दूसरी MPL मार्केट्स के बारे में बता देता हूँ, बल्कि MPL मार्केट्स के लिए आप एक काम करें, आप जाएं sunnyali.com/MPL1, sunnyali.com/MPL2, ये 2 वीडियोस देखिएगा। जब पाकिस्तान में पहली बार MPL मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने पूरी मार्केट को, बच्चों को MPL पे लगा दिया था, मैंने इनसे कहा था जो लोग PL अफोर्ड नहीं कर सकते वो MPL के ऊपर काम करें, इन 2 वीडियोस के ऊपर मैंने सिखाया था कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। आप ये वीडियोस देख लें, आपके बहुत काम आएंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि MPL मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, कैसे प्रोडक्ट्स निकालनी है, उसका बेसिक तरीका कार क्या होगा, कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करें। $300 से $500 पर मंथ का प्रॉफिट हमारी यूजुअल एक्सपेक्टेशन होती है MPL मार्केट में, कि $300 से $500 का हमें प्रॉफिट आ जाएगा, 5,000 से 6,000 या 7,000 US डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर आप यूरोपियन MPL मार्केट्स में जाते हैं तो वहां $10,000 US डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी टोटल, जिसमें से आप लोग 500, 1,000, 500, 800, 900 US डॉलर पर मंथ की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं उन मार्केट से। तो मैं आपको डिफरेंट मार्केट्स का एक आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस की बात करें, आप फ्रांस में अगर लॉन्च करना चाहते हैं 80,000 यूरो पर NM से अगर कम का आपकी एक्सपेक्टेशन है टर्नओवर की, तो आप फ्रेंच LLC खोल लें, फ्रेंच कंपनी खोल लें, फ्रेंच कंपनी के नाम पे अपना अमेज़न का अकाउंट खोल लें। उसके चैलेंजेस बता देता हूँ। चैलेंजेस ये होंगे कि अमेज़न आपको एज यूजुअल चार्ज करेगा VAT, आपकी 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 कंपनी के ऊपर तो कोई VAT नहीं है, आप बेशक
10 यूरो की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका 4 यूरो का प्रॉफिट है, क्योंकि हम 45-50% मार्जिन से कम प्रोडक्ट में हाथ ही नहीं लगाते हम लोग, हम हाथ डालना ही नहीं चाहते ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपका वैट आप नहीं कलेक्ट करें, आप वैट फ्री अकाउंट बना लें, कोई मसला नहीं, 80,000 यूरो का बिजनेस करें बगैर वैट के, लेकिन अमेजोन चार्ज करेगा आपको वैट, अमेजोन अपनी स्टोरेज पे वैट चार्ज करेगा, अपनी फीस के ऊपर वैट चार्ज करेगा, अमेजोन आपको अपनी पीपीसी के ऊपर भी वैट चार्ज करेगा। तो इसको मत भूलिएगा जब भी आप अपना पीएनएल करें, ये कई बार ये बात मैं बहुत बोल चुका हूं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को, अपना जब पीएनएल करें या बजट शीट बनाएं तो इसमें इन चीजों को जरूर कंसिडर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने लार्ज स्केल पे जाना है, जिनको पता है यार हमने तो यूरोप में बिजनेस करना है और बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो 80,000 यूरो के चक्कर में फ्रेंच एलएलसी बनाएंगे तो आपके 2,000 यूरो तो इसमें ठुक जा रहे हैं आप लोगों के, तो आप इसको बचा लें। आप बेशक ना बनाएं, बेशक यूके लिमिटेड से ऑपरेट करें, फ्रांस में बिजनेस करें, 20% वैट पे करें, आपका 50% का जब प्रॉफिट मार्जिन होगा तो 20% वैट में निकाल दें, नेट इम्पैक्ट उसका 16% आता है, यूजुअली 16% या 15% या 14% नेट इम्पैक्ट आता है जब आप इनपुट वैट भी क्लेम करते हैं, जब आप चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं आप वो वाली वैट क्लेम करेंगे तो आपका नेट इम्पैक्ट 14-15% मार्जिन कम हो जाएगा, तो 50% या 45% ग्रोथ मार्जिन में आपको मिलेगा 30%। अच्छा, ये तो हो गया फ्रांस। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये सारी एमपीएल मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग एमपीएल मार्केट्स के क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं और पूछना चाह रहे हैं कि ये हमारे स्पेशली कनाडा के ऊपर बहुत मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं जी कनाडा के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कई बार कमेंट्स में यह बात बोली है कि कनाडा बहुत अच्छी मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको अवॉइड करूंगा। अच्छा, उसकी लॉजिक सुन लें, उसकी लॉजिक ये है कि सारे अमेरिकन सेलर्स जिनके पास 10-10, 20-20 हजार रिव्यूज होते हैं वो इखलाकन 500 यूनिट्स अपने कनाडा भिजवा लेते हैं इखलाकन। अब इनकी लिस्टें कनाडा पे जाके चेक करें, 10,000 रिव्यू, 5,000 रिव्यू, 6,000 रिव्यूज हैं, और आप इनसे मुकाबला करेंगे। अच्छा, इस बंदे के पास 10,000 से 15,000 यूनिट महीने का ऑलरेडी घूम रहा है, अमेरिका में घूम रहा है, इसके बाद ऑर्डर्स की कमी नहीं है। इसने जब चाइना से अपनी सोर्सिंग की है तो वो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का अगर इसने स्टॉक मंगवाया चाइना से 30,000 यूनिट के हिसाब से, आप सोचिए इसकी क्या प्राइस मिली होगी इसको। आप जा रहे हैं कैनेडियन मार्केट के अंदर और उसके चाइनीज सप्लायर को कह रहे हैं देखो मेरी अभी 1200 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत बिजनेस होगा तो मैं आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा। अब आप उससे 1200 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं, उधर से अमेरिकन सेलर उसको 30,000 यूनिट ऑर्डर कर रहा है, आपकी प्राइस में और अमेरिकन सेलर की प्राइस में क्या फर्क होगा? अच्छा, अमेरिकन सेलर ने उसको चाइनीज सप्लायर को बोला एक काम करो 500 यूनिट उठा के कनाडा भिजवा दो, 500 यूनिट इसके कनाडा चले गए उस प्राइस में। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन सेलर की लिस्ट के ऊपर जाके देखें 6,000 रिव्यूज भी मौजूद हैं, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे इसके साथ? तो कनाडा एज एमपीएल मार्केट मैं इनकरेज नहीं करता, हमारे पास हैं सक्सेस स्टोरीज हैं कनाडा की हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत इनकरेजिंग भी नहीं है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि 10,000-12,000 यूएस डॉलर कैनेडियन मार्केट में लगाओ और उसके बाद 300-400 डॉलर का प्रॉफिट निकालो, वो भी बड़ी मुश्किल से बहुत सांसें ले लेके निकालो, तो इट्स नॉट वर्थ इट एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, ओके है, ऑस्ट्रेलिया में पीपीसी थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको क्योंकि वहां की कंपटीशन भी उसके हिसाब से ही है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 डॉलर का कम से कम आपको बजट चाहिए होगा, तब कि जाके आप एक्सपेक्ट करें कि वहां से 500-600 या मैक्सिमम 600 समझ लें 500-600 डॉलर पर मंथ का प्रॉफिट आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे मंथली प्रॉफिट। दुबई मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, दुबई हो गई कचरा हो गई, अब पहले सही थी अब नहीं, अब दुबई कचरा हो गई, बहुत ज्यादा गंद आ गया क्योंकि पाकिस्तानी सारा भर गया वहां पे, और ऑफ कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से इधर उधर से हर जगह से हर बंदे का, चूंकि पाकिस्तानी रहते बहुत हैं दुबई में, तो अब वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉन्चेस हो गई, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा अभी आपको दुबई। यूरोप में फ्रांस ठीक है, स्पेन इटली बहुत ही टाइनी है, तो आप अगर स्पेन या इटली में कुछ लॉन्च करना तो भाई को बड़ी चीज लॉन्च करें, कोई हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई पिलो कवर वगैरह लॉन्च करें, कोई ऐसी चीजें लॉन्च करें जिनकी अमेरिका में इम्पॉसिबल है जिनके बारे में सोचना भी, ये आप लॉन्च कर लें। यहां पे एटलीस्ट कुछ 5 ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास, 6 ऑर्डर आ जाएंगे दिन के शायद, तो स्पेन इटली बहुत टाइनी है, फ्रांस ओके है, दुबई मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, सऊदी बहुत अच्छी मार्केट है लेकिन मैं सीआर की वजह से रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया ओके है, इसके अलावा बस एक्सपेक्टेशन राइट रखिएगा,
$300 से $500 प्रॉफिट, इससे ज्यादा बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कीजिएगा आप लोग। ये था फाइनल कंक्लूजन एमपीएल मार्केट्स का। ओके जी, मैं फिलहाल इस वक्त वियतनाम में हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा लें, खैर बाहर से भी देख लेते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।